यूट्यूबर हमने भाई तो हमको ही जानना पड़ेगा क्या बताओ। गुड मॉर्निंग। सो गाइस आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस ब्लॉग में हम आपको बताने वाले हैं हमारे कॉलेज का फी, मैं किस कॉलेज में पढ़ता हूं और मेरी फ़ी क्या है और मैंने किस तरीके से एडमिशन लिए। मैं अकेले बताऊंगा आपको तो आपको मज़ा नहीं आएगा, तो हम साथ में बात करने वाले हैं। हाय गाइस, और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, असाइनमेंट, कंप्यूटर्स, लैब, सो दैट्स ऑल। मस्ती तो हमेशा रहता भैया, लेकिन डिपेंड करता है कि जब पार्क वगैरह खुले रहते हैं कुछ भी तो अपने दोस्तों के साथ कहीं जा सकते हो। बट अभी तो यार हर चीज़ बंद है ना, तो कुछ नहीं खुला हुआ भैया। मैं अगर चाहूँ ना कि गांधी मैदान में जाकर 5 मिनट बैठूँ तो गांधी मैदान भी बंद है यार। कैसे मज़ा आएगा भाई ज़िंदगी में, कैसे मज़ा आएगा यार। पंद्रह अगस्त की तैयारी चल रही है जिस वजह से गांधी मैदान में काम चल रहा है। यहाँ पर आप बहुत सारी गाड़ियाँ देखेंगे जहाँ पर के दंगा नियंत्रण केंद्र सेफ्टी के लिए प्रॉपर बुलाया गया है ताकि यहाँ आपका सेफ्टी मेंटेन रखा जाए। तो सिरेजल कुछ स्टाइल स्टाइल मार यार, मतलब ऐसे फोटो मजा नहीं आएगा। ओ ठीक है, भाई साहब एक से एक रील्स तुमको ऐसा देखने मिलेगा ना कि कंफ्यूज हो जाओगे। तो कॉलेज अपना क्लियर हो जाएगा ना तो हम पूरा रील्स वील्स बनाएंगे। अभी तो बस ऐसे आज हमारे क्लास में एक लड़का बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया, आप यहाँ पर देखेंगे। कोड ले बताओ, क्या कहने चाह रहे थे तुम बताओ, कुछ भी बताओ। राशि राशि अच्छा लगा करके। हाँ बोलिए भैया। हाँ भैया बताइए कैसा लगा आपको लैब करके? अरे एकदम बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। हमने बहुत चीज नया नया सीखा। कोड हमारे से ऊपर था, हम कोड से नीचे थे कभी नहीं, ऐसा बात नहीं, पर बहुत हद से ज्यादा एरर हो रहा था। जैसा कि हमने कहा था आपसे कि हम कॉलेज जाएंगे और वहाँ जाने के बाद कुछ फीस पर बातें करेंगे अपने दोस्तों से, तो अभी मैं अपने दोनों दोस्त के साथ हूँ और यहाँ पर दोनों से बात करने वाला हूँ कॉलेज के फीस से रिलेटेड कुछ कुछ, जैसे कि हमारे कॉलेज का फ़ी क्या है और हम लोग किस कॉलेज में पढ़ते हैं और पटना में रहने के लिए प्रॉपर BCA करने के लिए हाईएस्ट कितना क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या आपको प्रॉपर मतलब पैसे चाहिए और क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, इन सारे चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो प्रथम भाई ये पहले बता मेरे को कि यहाँ जो पूरे पटना में जो BCA का फीस होता है और इसका क्वालिफिकेशन क्या होता है हाईएस्ट? BCA में जनरली क्वालिफिकेशन जनरली 12th में 60% तक मांगा जाता है मिनिमम। ओके, और अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो तो 45% तक एडजस्ट हो जाता है। 45 तक एडजस्ट हो जाता है। रही बात बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करता है, उन्हें थोड़ी दिक्कत होगी, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा उन्हें, और अगर थोड़े बहुत बेसिक अगर जो जानता होगा उसे उतनी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। प्रॉब्लम हाँ भैया मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। हाँ यार हम कैसा भी करके, मैं मैथ बैकग्राउंड से नहीं था बट साइड से मैथ था तो थोड़ा बहुत नॉलेज था, तो इसलिए मेरे को दिक्कत नहीं हुआ।
मेरे एडमिशन का जो प्रोसेस था वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। पहले कि कौन सा कॉलेज बेटर है क्या है नहीं है, इसी तरीके से यूट्यूब पर वीडियोस देखे, सबसे पता किया, वेबसाइट देखे, उसके साथ साथ फैमिली के कुछ लोग थे उनसे कंसल्ट किया। इनके बाद जो है ना हमने एडमिशन ले लिए पटना में। ठीक है, तो पटना में मैंने एडमिशन ये सोच कर लिया कि अच्छे से अच्छे कॉलेज से MCA करूंगा आगे चलकर। और एंट्रेंस की अगर बात करूं तो एंट्रेंस जो है ना हर यूनिवर्सिटी का होता है। आप अगर आर्यावर्त नॉलेज यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, जैसे मैं AKU का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे जो है प्रॉपर जो है वो एग्जाम तो देना नहीं पड़ा था, लेकिन क्योंकि वो मेरिट बेस पर हो गया था। अगर आप चाहते हो एडमिशन लेना तो AKU के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। उसके साथ साथ जो है ना आप सेकंड क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए ये कि 50% जो है ना प्रॉपर आपके मार्क्स होने चाहिए, 60% कम से कम, और उससे कम भी होते तो एडजस्ट हो जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। और मैं बात करूँ अगर पटना यूनिवर्सिटी का, तो पटना यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म भरा रहा है, जल्दी से जाओ भर दो और फिलअप करो फॉर्म और एग्जाम्स को क्वालिफाई करो। एग्जाम क्वालिफाई करने का कोई भी टेंशन नहीं है, बहुत ही सिंपल होते हैं, बेसिक क्वांटिटी मैथमेटिक्स होते हैं, उसके साथ साथ जो है आपको कुछ इंग्लिश वगैरह पूछे जाते हैं, तो सब बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको तोप नहीं मारने, बहुत ही ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, तो सिंपल से एग्जाम्स होता है। और साथ में अगर फीस की बात करें तो सरकार गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप जाते हो तो आपका 3,000 से 4,000 रुपया साल का लगता है, बट अगर प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो आपको 30,000 पर सेमेस्टर लग जाएंगे, चाहे जैसे भी कॉलेज हो उसका जो भी फीस हो, ये फीस वो फीस सारी मिलाकर 30,000 पड़ते हैं, 30 to 35 भी पड़ जाते हैं, बट अगर आप प्राइवेट गवर्नमेंट में होते हो तो आपको बहुत ही कम पड़ता है। वही जगह अगर हम सेकेंड बात अगर इसका करें कि आप साल का कितना लग जाएगा, तो आपको लग जाता है 60,000 रुपया। उसी जगह मैं बात करूँ अगर हॉस्टल का, रूम का, तो आप अगर चाहते हो कि आपको एक हॉस्टल मिल जाए तो कॉलेज ही आपको प्रोवाइड करवा देगी, लेकिन बाय द वे सम टाइम कॉलेज पटना में जो प्रॉपर कॉलेज है वो प्रोवाइड नहीं करवाती रहती, तो ऐसे कंडीशन में आपको साइड से लेना पड़ेगा। उस पर भी मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं। मेरे पर डिपेंड कभी भी मत रहना कि मैं रूम दिलाऊँगा आपको, खुद मैंने जो उस वीडियो के बाद भी और वीडियोज़ बनाए उस वीडियोस को भी जाकर देखो और कांटेक्ट करो यार उनसे, हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हो। हाँ, हमने जो नंबर दे रखा है, हमने जो बताया उस प्रोसेस को फॉलो करो, आपको खुद रूम मिल जाएंगे। चलो सेकंड बात करते हैं कि आपने एडमिशन ले लिया, आपका नॉन मैथ बैकग्राउंड है तो आप एडमिशन ले सकते हो या नहीं, तो यार इस पर भी मैंने प्रॉपर वीडियोस बना रखे हैं जिसमें मैंने बताया है कि अगर जिसका मैथ से बैकग्राउंड नहीं है तो वो कैसे BCA कर सकता है, वो किस तरीके से स्ट्रांग हो सकता है, तो उस वीडियो को भी जाकर देखो। और अगर आप कहते हो कि पटना में टॉप कॉलेजेस कौन से हैं BCA के बताने के लिए, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उसको बताने के लिए हमारी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, वो ये है कि आप हमारे वीडियो को शेयर करें, अच्छे से अच्छे शेयर करें, अपने स्टेटस पर लगा दें, या फिर आप जैसे भी चाहते हैं शेयर कर दें हमारे वीडियोज़ को, वायरल कराओ, अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे तो मैं डेफिनेटली खुद से वीडियोज़ बना दूंगा। हाँ, लेकिन अच्छे रिस्पॉन्स तो चाहिए हमें भैया, अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे मैं खुद भी समझ जाऊँगा कि आप चाहते हो कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं टॉप कॉलेजेस इन पटना पर। तो भैया लगे रहो फिर और हमारे वीडियोस देखो, और हाँ शेयर के जरूर कर देना भाई साहब, क्योंकि शेयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना। चलो, थैंक यू सो मच, बाय।